ऐसा है, मैं एक छोटा सा शेर कहता हूं आपके सामने, और उस शेर को कहकर के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। किसी ने कहा था कि चुभ जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं, चुभ जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं। जनाब ये जिंदगी है, यह हम गैरों से नहीं अपनों से हार जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे अपने जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो शेर तो क्या कुत्ते भी वार करने लगते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि नौजवान नस्ल को कवर करें, इनको संभालें। अगर नौजवान नस्ल संभल कर अपने सही रास्ते पर चली तो मजा ले पुलिस तो क्या, कोई भी हो किसी भी डिपार्टमेंट से। आज चौकट जंगलों को उपाड़ा जाता है, मकानों पर पीड़ा पंजा चलाया जाता है, एक नकचोटी लगाने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बहाना ढूंढती है पुलिस, और बहाना ढूंढ करके रिकॉर्ड तैयार करके हमारे नौजवानों को कस्टडी में रखा जाता है, और कस्टडी में रखने के बाद दो दिन बाद उसका पैर तोड़ दिया जाता है। पैर तोड़ना माना जाता है कि पुलिस प्रशासन और आवाम में अगर मुठभेड़ हुई और मौके पर पैर तोड़ा गया, हम मानते हैं कि इन्होंने मुठभेड़ की थी इसलिए पैर तोड़ा गया है। लेकिन जिस व्यक्ति को दो दिन तक कस्टडी में रखा जाता है और दो दिन बाद उसी लड़के के बारे में बताया जाता है कि साहब तो रिवॉल्वर लेके भाग रहा था, क्या दो दिन बाद इतनी हिम्मत है पुलिस के नौजवानों से? जो आम आदमी एक ओलेक्स बाज रिवॉल्वर लेके भागेगा? मैं मानता हूं पुलिस रिकॉर्ड इन लोगों को पकड़ रही है, और रिकॉर्ड पर दिखा करके हर चीज को वेरीफाई करने के बाद पुलिस कस्टडी में डाल रही है, लेकिन दो दिन बाद जो पैर तोड़ने की और गोली मारने की जो स्थिति पैदा हो रही है, पुलिस इसको गैर कानूनी कर रही है, नहीं करना चाहिए पुलिस को। किसकी बात कर रहे हैं आप, किसके मारी पैर में गोली, कहां के हैं? गावड़ी का लड़का है कोई, उसको पैर में गोली मारी, जबकि मौके पे गोली नहीं मारी गई, मौके पे मुठभेड़ नहीं है। उससे पहले टायड़े का लड़का था एक, वो एक हमारे सेकंड नेता बनता है, एक गुंगल साहब मुख्तियार, क्या नाम है उसका, मुर्गी का सा बच्चा, उसने आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उसके परिवार का कोई आदमी उसको पैर में गोली मारी, ओलेक्सबाजी करता है वो, ठीक है, वो नेता बनता घूमते हैं लोग। वैसे जो नेता बनने की हिम्मत रख रहा है वो पुलिस के खिलाफ मुकदमा करने की भी हिम्मत रखे, अगर उसके परिवार में किसी गोली मारी जाती है, उसके गांव में कहीं गोली मारी जाती है तो। और सबसे पहले वो नेता ये काम करे कि मेरे गांव में मेरे परिवार में कोई ओलेक्सबाजी ना करे, गलत काम ना करे, ताकि पुलिस को गलत कदम नहीं उठाना पड़े। पुलिस पैर में गोली मुझे क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती, ओलेक्स में इन्वॉल्व, उसके बाद फिर पुलिस तरीका ढूंढती है। पुलिस का यह बहाना पुराना हो चुका है, पुलिस जिस तरीके से गोली मारती है पैरों में, रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था या लेटरिंग करने के बाद पेशाब के बहाने गाड़ी रोकी और उसको भागने लगा, ये बहाना पुराना हो गया। जिस तरह गाड़ी का टायर पंचर होने का बहाना पुराना हो गया, लोग लेट होते थे जब कहते गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसी तरह पुलिस का गोली मारने का बहाना पुराना हो गया है। अब पुलिस कोई और बहाना ढूंढे, ये बहाना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब ट्यूबलेस टायर है, अब तो ट्यूबलेस टायर में तो पिंचर होने का भी बहाना नहीं रहा, चोभा गचक जाता है तो भी वो गाड़ी ठिकाने पहुंचा देती है। इसलिए पुलिस गोली मारना बंद करे, बंद बिल्कुल। संवैधानिक अधिकार से जो संविधान बता रहा है उन धाराओं के तहत पुलिस मुलजिम को बंद करे, बंद करके जेसी पहुंचाए, कोई दिक्कत नहीं। और आवाम वालों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जायज और नाजायज सब पिसेंगे, चने के साथ जिस तरह घुड़ पिसता है, और नेता लीडर अपनी अपनी, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, अपनी अपनी पहुंचों में लटके हुए हैं, और लटक करके वो इंतजार कर रहे हैं समय आने पर टिकट किसको मिलना है, वोट कौन लेगा। तुम्हारे बीच में निष्पक्ष आऊंगा मैं, और मैं तुम्हारे लिए बलि का बकरा हूं, जहां जनता चढ़ाएगी वहां चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाथ जोड़ के ओलेक्स बाजी और गौकासी रोक दो, फिर मेरा खेल देखो तुम, फिर तुम्हारे साथ अन्याय करे ये पुलिस, और फिर मैं सामने से, ये पैर में गोली मार रहे हैं, हम सीने पे गोली लेंगे पुलिस की, सीने पे सूदा सट लेंगे, यहां दो गोली कौन देता है। पीड़ित से घर में पहुंच रहा हूँ, गावड़ी जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो पीड़ित आवाज आपने कहाँ कहाँ तक पहुंचाई है, इसको लेकर किस किस से मिले आप? ऐसा है, हमारी कल सीओ साहब से मीटिंग हुई, एसएचओ पहाड़ी से मीटिंग हुई, और आईजी तक हम जाएंगे, और अब पीड़ित से हम मशवरा करके, पीड़ित कितने पानी में है, किसी पीड़ित की हिम्मत ही नहीं है मुकदमा दर्ज कराने की, सबसे पहली बात तो यह।
पीड़ित अगर हमारे नजदीक आया और हमसे अगर विश्वास में पीड़ित आया तो मुकदमा दर्ज भी कराएंगे, एसडीएम को ज्ञापन भी देंगे, लिखित में मुख्यमंत्री के नाम भी देंगे। एक ही समुदाय के साथ इतना बड़ा अत्याचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। आपने, आपके परिवार ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की सरकार है राजस्थान में और बीजेपी के काम अच्छे विधायक है, इस मामले जो आए दिन ये जो कांड हो रहे हैं इसको लेकर आपने बीजेपी सरकार ये नहीं कहती कि आप ओलेक्स काटो, बीजेपी सरकार ये नहीं कहती कि आप बुरे काम करो, गो कैसी करो, बीजेपी सरकार ये कह रही है बीजेपी की चाहे कोई नेता हो चाहे कोई और हो, पहले बुरे कामों से रुको और बुरे कामों को रुकने के बाद फिर तुम्हारे साथ घर पे कोई अत्याचार करता फिर हमें बताओ। अच्छा, हम मिल चुके हैं जिनके गोली मारी जा रही है वो ये काम करते हैं, ठगी का काम, वो ठगी का काम करते हैं, आप ये मानते हो? बिल्कुल। लेकिन ये है कि लेकिन गोली जो मार रहे हैं वो गैर कानूनी मार रहे हैं, गोली नहीं मार रही, ये चीटिंग बाजी है, ये 420 है, इसमें गोली कौन मारता, विकास दुबे थोड़ी है ये लोग, ये कोई विकास दुबे है। तो अभी कल नगर विधानसभा में बुलडोजर कार्रवाई हुई, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, वो अवैध तरीके से उन्होंने मकान बना रखा था वहां हुई है वो कार्रवाई, ठीक है, और जितने भी अवैध और बन रहे हैं उनका भी नक्शा मौका आईजी पर और बड़े बड़े अधिकारियों पर पहुंच चुका है। मेवात के हालात और बद से बदतर होने वाले हैं, लेकिन मेवात के आदमियों को स्वयं सुधरना होगा और सुधरोगे तभी काम चलेगा। पुलिस का कहना है कि ठगी करके नहीं वो वहां पर मकान बनाए गए। अब ये चीज मैं साफ नहीं कर सकता, मैं वहां गया नहीं हूं अभी। अब आप बीजेपी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कभी बताया गया, तो वहीं जब बनेली गांव में